नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ ये हमारे जो डेमो क्लास का जो वीडियो है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये हमारा इस समय डेमो क्लास चल रहा है, ये उन स्टूडेंट के लिए है जो मोबाइल फोन रिपेयरिंग के नाम पे बिल्कुल जीरो है। दूसरी बात, ये उन बच्चों के लिए है जो मोबाइल फोन रिपेयरिंग के लाइन में अपनी शॉप तो बहुत दिन से चला रहे हैं, लेकिन मोबाइल फोन के नाम पे उनको मल्टीमीटर चलाना नहीं आता, मोबाइल फोन के अंदर जो प्लेट है उस प्लेट के बारे में उनको जानकारी नहीं है, मदरबोर्ड में क्या क्या चीजें लगी होती हैं उनके बारे में भी जानकारी नहीं है, या मोबाइल फोन को रिपेयर कैसे किया जाता है, रिपेयर करने का तरीका दोस्त उनको नहीं पता। तो दोस्तों मेरा नाम राघवन और मैं ईटेक स्टोर कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहां पर आपको मोबाइल फोन या लैपटॉप है इस तरीके से रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्स कराए जाते हैं। यहाँ पर हम जितने भी सारे बच्चे हैं उनको सभी को बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की कम्प्लीट ट्रेनिंग है, और मोबाइल फोन के बारे में कैसे रिपेयर करना है, रिपेयर करने का तरीका क्या है, रिपेयरिंग करने का कॉन्सेप्ट क्या है, वो सब चीज हम आपको सिखाते हैं। चलिए हम लोग डेमो क्लास में चलते हैं और आगे टॉपिक में चलते हैं। ये हमारा जो आज वीडियो होने वाला है ये बेसिक का वीडियो है, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक चेकिंग कॉन्सेप्ट। मोबाइल फोन में बेसिक चेकिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेसिक को कैसे मोबाइल फोन में चेक किया जाता है। आज हम लोग जो सीखने वाले हैं, पीसीबी के अंदर एक कंपोनेंट्स लगा होता है जिस कंपोनेंट्स का नाम होता है ट्रांजिस्टर। आज दोस्तों मैं आपको ट्रांजिस्टर के बारे में आपको सिखाने वाला हूं कि ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, कैसा दिखता है, और मोबाइल फोन में इसको कैसे चेक किया जाएगा, इसको चेक करने का तरीका क्या होता है, इन सब चीजों के ऊपर मैं आज आपको वीडियो देने वाला हूँ। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो मोबाइल फोन रिपेयरिंग के नाम पर प्लेट को चेक करना नहीं जानते। अगर ये मेरे डेमो क्लास का कम से कम 15 से 20 वीडियो आने वाला है, ये 15 से 20 वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कुल मोबाइल फोन के नाम पे रिपेयरिंग के नाम पे अंगूठा टेक है, सिर्फ अंगूठा लगाना जानते हैं लेकिन इस नाम पे कुछ नहीं जानते। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अगर देखने के बाद अगर आपको नहीं लगता कि आप मोबाइल फोन नहीं सीख सकते, मोबाइल फोन रिपेयरिंग नहीं सीख सकते, तो बिल्कुल मत सीखिए। लेकिन अगर ये डेमो क्लास देखने के बाद अगर आपको जरा सा भी आभास होता है कि आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम कर सकते हैं, तो दोस्त आइए सीखिए और मैं आपको अच्छी तरीके से सिखा के भेजूंगा। दोस्त मैं इस लाइन में 18-19 साल से सिखा रहा हूँ, जितने सारे बच्चे आते हैं सब सीख के ही जाते हैं। अब चलिए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, और इस टॉपिक के माध्यम से मैं आपको ट्रांजिस्टर के बारे में सिखाता हूँ। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है ट्रांजिस्टर के ऊपर होने वाला है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो जो सप्लाई को लो हाई करता है, जो सप्लाई को कम ज्यादा करता है, सप्लाई या सिग्नल हो उनको क्या काम करता है, कम ज्यादा करता है। इसके और भी बहुत सारे काम होते हैं, उन सारे काम के बारे में डिटेल से बात करूंगा। अब हम लोग बात करते हैं ट्रांजिस्टर हमारे मोबाइल फोन में दिखता कैसा है। रियल शेप का मतलब होता है बनावट, आकृति, डिजाइन। ये मोबाइल फोन में कैसा दिखता है, ट्रांजिस्टर हमारे मोबाइल फोन में से इस तरीके से होता है। ब्लैक कलर की बॉडी होती है और दो पिन नीचे होती है, एक पिन ऊपर होता है। ये हमारा 3 पिन का पाया जाता है, ऐसा भी होता है। ब्लैक बॉडी होती है डिनोटिंग लेटर। ट्रांजिस्टर का जो डिनोटिंग लेटर होता है टी होता है, क्यू होता है, वी भी होता है। सिंबल इस तरीके से ट्रांजिस्टर में से 3 लेग का सिंबल होते हैं, 3 पिन के लेग होते हैं, तीनों लेग के ऐसे सिंबल होते हैं। इसमें से जो एक लेग होती है ये तुम्हारी बेस होती है, एक लेग कलेक्टर होती है, एक लेग एमिटर होती है। बी का पूरा नाम होता है बेस, सी का पूरा नाम होता है कलेक्टर, ई का नाम होता है एमिटर, बेस कलेक्टर एमिटर। ये ट्रांजिस्टर में हमारे 3 पिन पाई जाती हैं। अब बात करते हैं वर्किंग के।
ट्रांजिस्टर काम क्या करता है, इसका काम क्या रहता है। सबसे पहले ट्रांजिस्टर का जो काम होता है डीसी को एसी में करना, सबसे पहला काम क्या करता है डीसी को एसी में करता है, जो हमारा डीसी करंट आता है उसको एसी में कन्वर्ट करता है। अच्छा, डीसी में एसी कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है, वो उसके अंदर हमारे ट्रांजिस्टर लगा करके स्विचिंग कराई जाती है। स्विचिंग करने से हाई लो करने से क्या होता है, जो हमारा डीसी होता है वो एसी फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। ऐसा काम तुम्हारे इन्वर्टर सर्किट में किया जाता है, या मोबाइल फोन के अंदर जो लाइट आईसी आती है वो लाइट आईसी डीसी का प्रारूप है। अगर आप उसका लाइट आईसी के अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो दो ट्रांजिस्टर ही बैक टू बैक कॉम्बिनेशन होता है। या आप देखेंगे जहां पर स्विचिंग का काम कराया जाता है या डीसी को एसी करने के लिए जो हमारे इन्वर्टर के अंदर प्लेट लगी होती है, तो उसके अंदर तीन तीन करके ऐसे ट्रांजिस्टर हमारे पार्लर में लगाए जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, इसका काम होता है डीसी को एसी में करना। दूसरा काम होता है स्विचिंग कराना। स्विचिंग का मतलब ट्रिगर देना, किसी चीज को पल्स देना, ऑन ऑफ करना, चालू करना, बंद करना। एम्पलीफिकेशन, आपने एम्पलीफायर का नाम सुना होगा, जो हमारे साउंड सिग्नल को बढ़ाने का काम करती है, जो हमारे साउंड को एम्पलीफाई करने का काम करती है। तो ट्रांजिस्टर हमारे एम्पलीफिकेशन का भी काम करते हैं, ऑडियो सिग्नल को बढ़ाने का काम करते हैं। फिर होता है हमारा मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। तो ये हमारे जो मॉड्यूलेशन का मतलब होता है सिग्नल को मॉडिफाई करना, सिग्नल को बढ़ाना। डीमॉड्यूलेशन का मतलब होता है सिग्नल को घटाना। तो ये हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है वो इस तरीके से पांच रूप में काम करता है। सबसे पहला काम करता है डीसी को एसी में करना, स्विचिंग करना, एम्पलीफिकेशन करना, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। ये हमारे ट्रांजिस्टर का काम होता है। अब बात करते हैं ट्रांजिस्टर को चेक कैसे करते हैं। ट्रांजिस्टर को वैसे चेक करने के दो तरीके को कॉन्सेप्ट ट्रांजिस्टर को चेक करने के दो तरीके के कॉन्सेप्ट बने। जितने भी मोबाइल फोन आते हैं उस मोबाइल को बंद करना, जितने भी मोबाइल फोन आते हैं सारे मोबाइल फोन को ट्रांजिस्टर को चेक करने के दो तरीके के कॉन्सेप्ट बने हैं। मतलब दो तरीके से ट्रांजिस्टर को चेक किया जाता है। एक तो पहली जनरल टेस्टिंग होती है जो हम लोग इजिली कर सकते हैं। दूसरी टेस्टिंग, इसकी जो मेन टेस्टिंग होती है वो बेस को फाइंड करके किया जाता है, वो इसकी मेन टेस्टिंग होती है, जिसके आधार पर ट्रांजिस्टर को क्लियर किया जाता है। अच्छा, ट्रांजिस्टर की कैटेगरी भी जो आ जाती है, हमारे जो ट्रांजिस्टर आते हैं दो कैटेगरी में आ जाते हैं। एक हो जाते हैं एनपीएन, दूसरा होता है पीएनपी। एनपीएन पीएनपी क्या होता है ये फिर बाकी मैं आपको क्लास में बताऊंगा कि हमारे इसकी दो तरह की कैटेगरी हो जाती है। एक एनपीएन हो जाता है, दूसरा क्या होता है पीएनपी हो जाता है। दो टाइप की कैटेगरी हो जाती है। अब इसी कैटेगरी के हिसाब से हमारी इसकी टेस्टिंग जो होती है वो डिफाइन होती है। अब ट्रांजिस्टर की सबसे पहली टेस्टिंग मैं आपको बताता हूँ, जो सबसे पहली टेस्टिंग जो हम लोग इजी वे में करते हैं। तो मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट करते हैं, चेक करने पर यदि तीनों पिन आपस में बीप ना दें। ओके, ट्रांजिस्टर को जब आप चेक करेंगे, यदि तीनों पिन आपस में चेक करते हैं तो तीनों पिन आपस में चेक करने पर बीप नहीं देते, तो इसका मतलब हमारा ट्रांजिस्टर ओके। अच्छा, बात आती है कि सर तीनों पिन को कैसे चेक करेंगे। आप मल्टीमीटर को एक पिन को यहां रख लीजिए, उसके बाद सामने की दोनों पिन को चेक करिए, यहाँ पर रख करके सामने के दोनों पिन को चेक करिए, ये सारी पिन आपस में बीप नहीं देती, तो हमारा सही है, इसका मतलब होता है ट्रांजिस्टर हमारा ओके, हमारा ट्रांजिस्टर शॉर्ट नहीं है। एक तो पहली टेस्टिंग इसकी ये करी जाती है, इसको आप फर्स्ट टेस्टिंग भी कह सकते हैं। अब जहां पर बात आती है सेकंड की, सेकंड का मतलब होता है ट्रांजिस्टर में हम लोग सिक्स वे टेस्टिंग करते हैं। सिक्स वे टेस्टिंग का मतलब होता है इसमें से बेस पिन को फाइंड किया जाता है। बेस पिन को क्या किया जाता है, फाइंड किया जाता है, बेस पिन को ढूंढा जाता है, बेस पिन हमारी कहां पर है और उसको कैसे चेक करेंगे। अच्छा, सिक्स वे टेस्टिंग कैसे करेंगे उसका तरीका एक बार मैं आपको समझा देता हूं, ताकि आप जब के पास आएगा तो आप उसको चेक कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास जैसे मोबाइल फोन है, मैं ट्रांजिस्टर की बात करता हूं, ये आपका लगा हुआ है ट्रांजिस्टर। मल्टीमीटर को आपने बी पॉइंट पर सेट किया, बी पॉइंट पर सेट करने के बाद पहले आपको रेड पिन को कॉमन मानना है। क्या मानना है, रेड पिन, जो रेड वाली प्रोब होती है उसको कॉमन मान लीजिए। रेड प्रोब को यहां पर रखिए, ब्लैक को यहां रखिए,
उसके बाद फिर ब्लैक को यहां रखिए। अगर रेड पिन को यहां पर रखने के बाद यहां पर दोनों पिनों में चेक करते हैं, अगर सामने की दोनों पिनों पर रेड पिन को रखने के बाद यदि सामने की दोनों पिने में वैल्यू आती है तो इसका मतलब होता है हमारा ट्रांजिस्टर पहली बार तो ओके है। दूसरी बात, जिस पिन से रखने के बाद सामने की दोनों पिनों में वैल्यू आता है तो इसका मतलब होता है ट्रांजिस्टर में से जिस पिन पर वैल्यू ज्यादा आती है वो पिन हमारा एमिटर होता है, जिस पिन पर वैल्यू कम आती है वो पिन हमारा क्या होता है, कलेक्टर होता है। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो ट्रांजिस्टर में जो बीच वाली पिन होती है जहां से सामने की दोनों पिनों में वैल्यू आती है तो उसी पिन को इसकी भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और बेस में से एक पिन हमारी कलेक्टर हो जाती है, दूसरी पिन एमिटर हो जाती है। अब देखिए मैं ट्रांजिस्टर का काम करने का थोड़ा सा प्रिंसिपल समझाता हूँ। ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है, हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है बेस वाली पिन से क्या होता है, हमारा कंट्रोल होता है। क्या होता है, बेस वाली पिन से कंट्रोल होता है। क्या कंट्रोल होता है, यह कंट्रोल होता है कि इसको कितना कम करना है, कितना ज्यादा करना है, किसी चीज को कितना ट्रिगर देना है, कितना ट्रिगर नहीं देना है। तो जैसे यहां से कोई सप्लाई आ रही है, उसके बाद फिर हमारी जो कलेक्टर पिन होती है इसमें ऑलरेडी सप्लाई हमारी इकट्ठा रहती है। क्या रहती है, हमारी सप्लाई इकट्ठा, सप्लाई इकट्ठा होने का मतलब होता है यहां पर एक फिक्स वोल्टेज होता है, जैसे 5 वोल्ट दिया गया, 6 वोल्ट दिया गया, 2 वोल्ट दिया गया, एक फिक्स वोल्टेज होता है। वो फिक्स वोल्टेज हमारा यहाँ पर आ जाता है, इस चीज को इसकी भाषा में हम लोग जंक्शन बोलते हैं। जब आप और डिटेल में समझेंगे तो इस एरिया को जंक्शन बोला जाता है, जब यहाँ से वोल्टेज इस पे आ जाता है। अच्छा, ये वोल्टेज जो होता है ये फ्लो कम ज्यादा होता है, फ्लो कम ज्यादा होने का मतलब होता है 0 भी होता है, 0.1 भी होता है, फिर 0.2 होता है, 0.3 होता है, ये तो ट्रिगर वोल्टेज होता है जो आईसी के माध्यम से आता है, तो कम ज्यादा होता है अप डाउन। जैसे वोल्टेज कम ज्यादा वोल्टेज आता है तो यहाँ पर ट्रिगर जनरेट होता है और फिर हमारा इमीटर के माध्यम से वोल्टेज क्या होता है, आउट होता है, जिससे हमारा आगे का सर्किट क्या होता है, काम करता है। अब ये जैसे 5 वोल्ट यहाँ पर आया तो यहाँ पर वोल्टेज दोस्त कैसे निकलेगा, अगर 5 का अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वोल्टेज कितना निकलेगा, 0। अगर आप देखेंगे बेस को बंद कर दिया जाएगा तो आगे का इमीटर का वोल्टेज क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगर बेस को जैसे ऑन किया जाएगा, जैसे बेस को जितना लेवल पर बढ़ाया जाएगा उसी तरीके से वोल्टेज इससे मल्टीप्लीकेशन होता रहता है और आगे का वोल्टेज हमारा क्या होता है, बढ़ता रहता है, ताकि आगे का सर्किट हमारा काम करता रहता है। इसी तरीके से यहाँ पर कम ज्यादा की जो प्रक्रिया कराई जाती है तो उसी काम को हम लोग इसकी भाषा में स्विचिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्विचिंग। इस स्विचिंग के माध्यम से हमारा आगे का सर्किट लो हाई होता है, फिर आगे का सर्किट हमारा काम करता है जिस तरीके से कम ज्यादा उसको यूज किया जाता है। तो ये ट्रांजिस्टर का काम होता है लो हाई करना। अब इसमें से बेस पिन को फाइंड किया जाता है। अब आपने यहाँ पर रख करके सामने की दोनों पिन को चेक किया, उसके बाद फिर यहाँ रख करके सामने दोनों पिन को चेक करिए, फिर यहाँ पर रख करके सामने दोनों पिन को चेक करिए। जिस तरीके से दोस्त आपने ब्लैक पिन को कॉमन मान करके चेक किया था, उस रेड पिन को कॉमन मान करके चेक किया था, उसी तरीके से एक बार फिर आप ब्लैक पिन को कॉमन मांगेंगे और सामने की जो पिन होती है सामने की दोनों पिनों में रेड रखेंगे। इस तरीके से टेस्टिंग में से 3 बार तो टेस्टिंग बनती है कि एक बार यहाँ रखा सामने चेक किया पहली टेस्टिंग, एक बार यहाँ रख करके फिर सामने दोनों चेक किया, फिर एक बार यहाँ रख करके फिर सामने चेक किया, तो एक पैरेलल जोड़ी हो गई, 3 बार की टेस्टिंग इसको बोलते हैं। अगर जब आपने रेड पिन को रखा, जब आप ब्लैक पिन को रख करके चेक करते हो तो 3 बार वो बनती है, तो 3 3 6 इसी चीज को हम लोग इसकी 6th वे टेस्टिंग बोलते हैं। 6th वे टेस्टिंग के माध्यम से हम लोग बेस पिन को फाइंड करते हैं। 6th वे टेस्टिंग हमको इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि हमारे पास ट्रांजिस्टर 2 तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा NPN, दूसरा ट्रांजिस्टर होता है PNP। अगर ट्रांजिस्टर की अगर आप सारी पिनों को चेक कर रहे हैं, और सारी पिन को चेक करने का मतलब होता है फॉल्टी, खराब कैसे होता है, बीप दे या वैल्यू बिल्कुल ना दे, यदि आपस में कुछ वैल्यू नहीं देता तो इसका मतलब होता है ओपन हो जाता है, वो खराब हो जाता है। अगर ट्रांजिस्टर चेक करने पर आपस में बीप देने लगता है तो बीप देने से हमारा क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है और ट्रांजिस्टर हमारा काम करना बंद कर देता है, और आगे काम करने का बंद का मतलब सर्किट काम करना बंद कर देता है। अभी आपके मोबाइल फोन में बहुत जगह पर लगाया जाता है, स्विचिंग की जगह पर जगह लगाया जाता है, लाइट की जगह पर लगाया जाता है, तो जिस सर्किट में आपका लगाया जाता है वो सर्किट हमारा काम करना बंद कर देता है। इससे हमारे मोबाइल फोन के अंदर कोई सेक्शन काम करना बंद कर देता है या हमारा हैंडसेट डेड भी हो जाता है, ऐसी भी शिकायत आती है। तो इस तरीके से हम लोग मदरबोर्ड के अंदर ट्रांजिस्टर एक कंपोनेंट को चेक करेंगे। फिलहाल हम ट्रांजिस्टर को एक बार दोबारा समझा देता हूँ। ट्रांजिस्टर जो होता है यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सप्लाई को लो हाई करता है, सप्लाई सिग्नल दोनों को लो हाई कर सकता है। रियल शेप ये 3 पिन का होता है, 1 पिन ऊपर होती है, 2 पिन इसके साथ में होती है। डिनोटिंग लेटर TQB होता है, सिंबल ये होता है बेस कलेक्टर एमिटर,
और इसका काम होता है डीसी को एसी में करना, स्विचिंग करना, एम्पलीफिकेशन करना, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। और टेस्टिंग जब आप चेक करेंगे मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर सेट करके चेक करते हैं, अगर जनरली तीनों पिन आपस में बीप नहीं देती तो इसका मतलब होता है ट्रांजिस्टर हमारा सही है। अगर नहीं तो करना है तो प्रॉपर वे टेस्टिंग करना, तो इसकी सेक्स वे टेस्टिंग करनी होती है जैसे मैंने आपको बताया। और इस तरीके से ट्रांजिस्टर हमारा काम करता है। और जितने भी मोबाइल फोन होते हैं सभी मोबाइल फोन में ट्रांजिस्टर फिलहाल अब ज्यादा नहीं लगे होते, एक दो या तीन लगे होते हैं, कुछ मोबाइल फोन में तो नहीं भी लगे होते हैं, ऐसा भी आता है। अब ट्रांजिस्टर को कैसे पहचानेंगे मदरबोर्ड में, एक बार मैं मदरबोर्ड में आपको दिखा के भी देता हूँ कैसा दिखता है। प्लेट में आप देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, देखिए जैसे मेरे पास बोर्ड है, मैं इस बोर्ड के अंदर तुमको ट्रांजिस्टर दिखाता हूं। दिखाई दे रहा ना, देखिए ये हमारा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, मैं थोड़ा सा और ज़ूम करने की कोशिश करता हूं। ये देखिए ट्रांजिस्टर हमारा ये, अगर आप देखेंगे तो ये ब्लैक कलर का लगा हुआ है, इसकी बॉडी जो होती है ब्लैक कलर की होती है, इसकी एक पिन ये है, दूसरी पिन ये है, तीसरी पिन ये है। ये देखिए एक पिन, दो पिन और तीन पिन, ये तीन पिन का हमारा जो लगा है ट्रांजिस्टर है। अब आप इसको कैसे चेक करेंगे, मल्टीमीटर को बजर पॉइंट पर सेट करेंगे, बजर पॉइंट पर सेट करने के बाद एक पिन को सामने रख लेंगे और सामने की दोनों पिनों को क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो इन ट्रांजिस्टर को हम इस तरीके से क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो मोस्टली हमारे मोबाइल फोन के अंदर ये जो तीन पिन का लगा है, ये आपका क्या है, ट्रांजिस्टर। तो इसमें से हमारी जो तीन पिने हैं ये हमारे ट्रांजिस्टर की हैं। खराब हो जाता है तो आप इसके नंबर से चेंज कर देते हैं, ट्रांजिस्टर में नंबर लिखा होता है जैसे A13 या BQ03, ऐसा कुछ भी, इसका अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है वो इसमें लिखा होता है, उसी के हिसाब से ट्रांजिस्टर को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। और ये खराब हो जाता है तो आपके मोबाइल फोन में बाइसिंग सर्किट खराब हो जाता है, सेट आपका बंद भी हो जाता है, ये सेट के अंदर कोई इंटरनल सर्किट सेक्शन काम करना बंद कर देता है, ऐसे बहुत सी सारी चीजों की ऐसी समस्या आती है। तो हम लोग ट्रांजिस्टर खराब हो जाता है तो उसको सर्किट में चेक करते हैं और चेक करने के बाद उसको चेंज करते हैं। आपको फिलहाल मोबाइल फोन में ये काम आ रहा है क्योंकि हमारी जितनी सारी आईसियां हैं उनके अंदर ट्रांजिस्टर कंबाइंड हो गया है और ट्रांजिस्टर का उपयोग अब कम होता है, एक आध दो मोबाइल फोन में देखने को मिलता है, नहीं तो नहीं भी होता है, ऐसा भी होता है। अब आप देख जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, मैंने आपको रजिस्टर सिखाया, कैपेसिटर सिखाया, कॉइल सिखाया, डायोड सिखाया, ट्रांजिस्टर सिखाया, ऐसे आप धीरे धीरे आगे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे हमारे मोबाइल फोन के अंदर इन कंपोनेंट्स की मात्रा कम होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं, वो धीरे धीरे घटते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ऐसी चीज होती है जो मोबाइल फोन में सिंगल डबल लगी होती है, सिंगल 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 लगी होती है, तो उन लोगों उनको फिर पहचानने में कोई हमको दिक्कत नहीं रहती। और दूसरी बात क्या दोस्तों, बहुत सारे आप आखिरी जैसे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने मुझे ये कमेंट किया था कि सर आप सारा सब कुछ दिखा देते हो, बोर्ड में समझा देते हो, लेकिन आप मुझे प्रैक्टिकली नहीं करके दिखाते। तो प्रैक्टिकली ना करके दिखाने का मतलब क्या रहता है कि एक बार में सारा चीज नहीं हो पाता, लेकिन आप ही लोगों को कहने से मैंने रजिस्टर, कैपेसिटर, कॉइल, डायोड, इन सब चीजों के ऊपर एक प्रैक्टिकल चेक करने का मैंने वीडियो डाला था, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। अगर आपने वीडियो देखा नहीं मिला तो आप जरूर नीचे मैसेज करें और वो मैं आपको वीडियो आपको दे दूंगा कि कैसे प्रैक्टिकली इसको चेक किया जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकली के लिए फिर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग से पूरा उसमें चेक करके बताता हूँ, क्योंकि अभी सिर्फ मैं बोर्ड में सिर्फ ट्रांजिस्टर के बारे में समझाया है। अच्छा दोस्त, जितनी सारी चीजें मैं आपको समझाता हूँ इनको कॉपी में आप नोट करिए, कॉपी में ट्रैक ड्रॉ करिए, आप इसकी स्क्रीन शॉट को भी लीजिए ताकि स्क्रीन शॉट के माध्यम से आप समझ सके कि वो दिखता कैसा है, आपके सामने जब प्लेट आएगी तो आप कैसे देख पाएंगे। और आज के टॉपिक में हम लोगों ने मोबाइल फोन बेसिक चेकिंग कॉन्सेप्ट के अंदर आज हम लोगों ने ट्रांजिस्टर के बारे में समझा है कि ट्रांजिस्टर को कैसे चेक किया जाता है, ट्रांजिस्टर को पहचानने का तरीका क्या होता है, इसके बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया है ताकि आप सीख सकें। ये जितनी सारी वीडियो हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो हैं, ये सारी ट्रेनिंग के पर्पस से वीडियो हैं, ये हमारे उन बच्चों के लिए है जो मोबाइल फोन रिपेयरिंग के बारे में
मल्टीमीटर चलाने के सिवा, उसमें से बैटरी चेक करने के सिवा कुछ नहीं जानते। मैं आप लोगों से वादा किया है, या बहुत लोगों के कहने पे ही मैंने वीडियो निकाला है कि आप इनके माध्यम से देखिए, सीखिए, मोबाइल फोन को रिपेयर करिए, मदरबोर्ड कलर करिए, प्लेट को चेक करिए। मैं गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि आपको काफी कुछ ने सिखा दिया तो मेरा नाम नहीं। और इन वीडियो के माध्यम से आपको इतना हेल्प मिलेगा कि आपको मदरबोर्ड को, ये जो प्लेट है ना, इस प्लेट को आपको मैं चेक करना सिखा दूंगा कि इस प्लेट को चेक कैसे किया जाता है। तो दोस्त, आज की वीडियो में इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के ऊपर, नई चीज के बारे में सीखेंगे। और ये जितने सारे टॉपिक मैं जितने वीडियो दे रहा हूँ, आप दोस्त कॉपी में एक एक करके नोट करिए, आप एक एक करके समझिए, एक एक को देखिए। अगर आपको ये वाला वीडियो मिला, ये शायद मेरा क्लास 9 या 10 का वीडियो होगा, आप सारी डेमो क्लास का सारा वीडियो देखिए। अगर आपको मोबाइल फोन रिपेयरिंग का इतिहास भूगोल ना पता चल जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, इतना मैं आपको कहता हूँ। अच्छा, ये देखने के साथ साथ ऐसा नहीं कि देख करके स्किप कर दिया, आप भैया कॉपी पेन बनाओ, नोटबुक बनाओ, डेमो क्लास 1, डेमो क्लास 2, डेमो क्लास 3, डेमो क्लास 4, डेमो क्लास 5, डेमो क्लास 7, डेमो क्लास 8, 9, 10, और मैं 15 से 20 वीडियो दूंगा। आप दोस्त जो 15 से 20 वीडियो, हमारा पूरा वीडियो देख करके अगर हमारे पास आएगा तो मैं उसको कुछ स्पेशल गिफ्ट दूंगा। ये मैं अपनी तरफ से कह के चल रहा हूँ, क्या गिफ्ट होगा ये जब मेरे पास आएंगे तो वो आपके लिए होगा। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक चीज का आप उसी बच्चे को गिफ्ट दूंगा कि जो बच्चा मेरा सारा 20 डेमो देखेगा, 15 से 20 डेमो देखेगा, और वो 15 से 20 डेमो उसके कॉपी में लिखा होना चाहिए, ताकि मैं भी समझूं कि आपको वो बात समझ में आई है कि नहीं समझ में आई है, इस बात के लिए है। और आप दोस्त इन वीडियो के माध्यम से चलिए, गिफ्ट एक छोटा मैटर है, कोई बड़ी बात नहीं है। बात यहां पर मायने रखती है कि आपको ये नॉलेज मिल सके और आप हमारे माध्यम से कुछ सीख सकें और आपके लाइफ में कुछ अच्छा चेंजिंग हो सके और एक सुधार हो सके। और मोबाइल फोन रिपेयरिंग के लाइन में जब आप आ रहे हैं तो आपके बारे में एक इंफॉर्मेशन वीडियो आपको मिल सके। दोस्त इसी तरीके से हमारे पास जितने भी सारे बच्चे लोग हैं, सब लोग सीखने के लिए आते हैं, और सीखने का एक यही तरीका होता है, सीखने का एक यही कॉन्सेप्ट होता है। और दोस्त किसी दिन मैं आपको एक कॉन्सेप्ट शेयर करूंगा कि आदमी को लाइफ में किसी काम को सीख करके आगे बढ़ा कैसे जाता है, लाइफ में ग्रोथ कैसे किया जाता है। किसी चीज में जब आप घुसना चाहते हो तो इस तरीके से डूब जाओ। कहते नहीं है कि जिस नदी में हम जाते हैं और डुबकी लगाने जाते हैं, तो डुबकी लगाने का मतलब क्या होता है, हम अपनी तरफ से आत्मा क्या रखते हैं, अपनी तरफ से ये रखते हैं कि हमारा पूरा शरीर उसके अंदर समा जाए, एक भी हमारी चुटैया तक दिखाई ना दे, एक हमारा बाल तक ना दिखाई दे, हमारी यही इच्छा होती है। आदमी नाक पकड़ के मुंह अंदर घुसेड़ देता है। क्यों घुसेड़ देता है? इसलिए घुसेड़ देता है ताकि वो चाहता है कि अपने आप को उस पानी के अंदर पूरा समर्पित कर देना चाहता, पूरा अंदर ले जाना चाहता है। उसी तरीके से दोस्त मैं आपको जो सिखा रहा हूं, आप इसके अंदर पूरा अच्छे से डूबिए, अच्छे से सीखिए, और ये सारी चीजें अगर आप सीख गए तो आपको मोबाइल फोन रिपेयरिंग सीखने में बहुत मजा आएगा। अब मैं आपको इतना इजी और इतने आसान तरीके से आपको सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक ऊपर, नए वीडियो के ऊपर, और नए चीज पर मिलते हैं, और आगे के टॉपिक के बारे में सिखाऊंगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही।